सिरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियान। नहीं धूप कहा ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का। हाँ बोलिए जी। वो मेरा पहला दिन है यहाँ पर। मैंने 9वीं कक्षा में दाखिला लिया है। एक काम कीजिए, पहले माले पर तीसरा कमरा 9वीं कक्षा है, वहाँ चली जाइए। पहले माले पर? हाँ, सीढ़ियाँ यहाँ से ही है। से आज अर्चना से बात करनी ही होगी, फिर उसके लिए मुझे कितनी ही देर क्यों ना रुकना पड़े। मैडम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यस प्लीज। अर्चना है ना? मैंने तो देखते ही पहचान लिया था। और सच कहूं तो मैं यहाँ सिर्फ आपसे मिलने आई थी। अरे अर्चना जी, आप यहाँ? जी वो मैंने 9वीं कक्षा में दाखिला लिए और आज मेरा पहला दिन है। That's so nice. आप आइए ना, आइए। ये लो, अभी मैं जो सिखाऊंगी वो करना। मैं यहीं पर हूँ। विच फ्लोर? अच्छा, नाइट स्कूल ना। सुलोचना आओ, देखिए ना 8:30 बज गए। क्लास छूट जाएगी तो अकेले उसको बाहर इंतजार करना पड़ेगा। आज पहला दिन है ना, मैं समय पर जाती हूँ और वैसे भी वो कल से मुझे आने नहीं देने वाली। हाँ, लेकिन उसकी क्लास छूटने में अभी समय है। हाँ, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी अपनी मुंबई सेफ है, रात को भी डर नहीं लगता। हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम थोड़ी देर बाद घर से निकलना। क्यों?
क्योंकि मैंने अर्जुन से कहा था जैसे उसका क्लास खत्म होने को आया हो तुम्हें फोन करे ताकि तुम तो अब तक तो उसका फोन आ जाना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं आया? सुलोचना समझने की कोशिश तो करो। देखो आज अर्जुन के स्कूल का पहला दिन है, फॉर्मेलिटीज पूरी करते करते हुई होगी देर, तू भक्त शांत रहा। और वैसे भी तू उसे स्वावलंबी बनाना चाहती है ना, तो फिर धीरे धीरे उस पर जिम्मेदारियां डालना भी तो सीखो। अर्चना, अरे हमारी अर्चना की शादी तय हो गई। लड़का कौन है पता? सतीश, अरे तेरी ननंद का बेटा। रात को आप यहाँ? जी वो मैं नाइट स्कूल में मैं वहाँ पढ़ने जाती हूँ। ओह इट्स नाइस। अच्छा अभी आप घर कैसे जाएंगे? बस मैं भी आई को फोन करने वाली थी। अब इसके लिए आई को परेशान करने की क्या जरूरत है? मैं उसी तरफ जा रहा हूँ तो आपको छोड़ते हुए चला जाऊंगा। नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी, आप रहने दीजिए प्लीज। आप चलिए भी, अब इतने से काम के लिए आई को यहाँ पर बुलाएंगे और उस वक्त जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और बड़ी ही आसानी से आपकी मदद कर सकता हूँ। आइए। अर्चना ने बड़ी अकड़ के साथ ये मंगलसूत्र निकाल कर अपनी आई के हाथ में दिया और बोली उनको उनके वापस दे दो गहने। वैसे अच्छा लगा आपका फैसला जान करके। इतना सब कुछ होने के बावजूद आप अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत रखती हैं। पता है इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो जिंदगी की इन चुनौतियों को इतनी पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं। जिंदगी में मेरे कुछ खास सपने रहे ही नहीं, जो सपने थे वो भी पूरे नहीं हो पाए। बस अब मैं जो भी करना चाहती हूँ मैं अपनी आई के लिए करना चाहती हूँ, उसके सपने पूरे करने की कोशिश करें। नहीं वैसे आई ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है आपको स्कूल के लिए भेजकर। पता है पढ़ाई कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, वो हमेशा आपको एक सफल एक असल जिंदगी देती है। गले में मंगलसूत्र और मुझे बताया आई जा अपना मंगलसूत्र लेके आओ। अर्चना के गले में जो पहनाया है ना वो लेके आओ। क्यों किया मानव ने ऐसा मेरे लिए? वो मंगलसूत्र मेरी पहचान थी, वो मुझसे वापस लेकर
मानव ने मुझसे मेरी पहचान ही छीन ली। ये तो हमारे रिश्ते की पहचान थी अर्चना। इसी धागे ने हमें बांध के रखा था एक दूसरे से। एक भरोसा था कि यही मंगलसूत्र वापस हमें एक दूसरे से जोड़ पाएगा, मगर इसे वापस करके तुमने इस विश्वास को तोड़ दिया। कैसे कह दिया तुमने कि अब तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं? जरूरत है मानव, मुझे आज भी इस सहारे की जरूरत है, लेकिन शायद आपकी जरूरत खत्म हो चुकी है। मैं तुम्हें यह मंगलसूत्र वापस करने आया था अर्चना, लेकिन अब शायद कभी नहीं करूंगा। अर्चू ने फोन क्यों नहीं किया? स्कूल तो कब का छूट गया होगा। अरे हाँ ठीक है, आ जाएगी वो, तुम चिंता मत करो। चलो नमस्ते अर्चू। अरे स्कूल खत्म होने के बाद तू फोन करने वाली थी ना? हाँ वो एक्चुअली मैंने ही उसको मना किया था। मैं किसी ऑफिस के काम से उस बिल्डिंग में गया था तो वहाँ अर्चना मिल गई नीचे मुझे, तो मैंने कहा कि मैं उसे घर छोड़ देता हूँ। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अरे चाय तो पीते चलो। नहीं एक्चुअली आई काफी रात हो गई है, तो फिर कभी चलता हूँ। ये वो ही लड़का है ना? क्या नाम है इसका? सतीश। सतीश ना, इसी से अर्चना की शादी तय हुई थी ना? लगता है सुलोचना फिर अर्चना की शादी के बारे में सोच रही है। तुम ठीक कह रही हो, ये वही है। सुनीता ऐसा कुछ नहीं है। जया क्या तुम दोनों भी कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो? निर्मला। अच्छा ताई, इतनी दुखी क्यों हो रही हो? तेरा बेटा है? हाँ। बहू? हाँ बहू भी है। तेरा कहा मानती है? हाँ। तो क्या तू खाक समझेगी मेरा दुख? देखना मेरी बहू गई घर छोड़ के, जाते समय अकेली नहीं गई, जाते जाते मेरा चैन चुरा के लेके गई, मेरे बेटे को मुझसे तोड़ा। तो फिर तू उससे नाता क्यों जोड़ के रखी है? घटस्फोट करवा देना मानव का। कितनी बार बोल चुकी मानव को, वो समझेगा तब ना। देवदास बन के बैठा है उसकी याद में, देवदास। सविता ताई एक बात कहूँ आपसे? बोलना। वो मेरी भिवंडी वाली बहन है ना? हाँ। उसके पड़ोस की लड़की के लिए ना वो लोग लड़का ढूंढ रहे। क्या बात कर रही है? मैंने मानव की बात बढ़ाने का सोचा आगे, लेकिन फिर सोचा नहीं। बोलना बोलना बोल। बहुत अच्छा घराना है उनके ना, दो दो फ्लैट है, दो दो फ्लैट। वो जो गवर्नमेंट स्कीम में मिलते ना वो दो फ्लैट है। देख मुझे फ्लैट भीट में इंटरेस्ट नहीं, मेरे बेटे की शादी होनी चाहिए। अरे बंगले जैसा फ्लैट है, बंगले जैसा। हाँ वो है ना अपनी बेटी को एक फ्लैट देने वाले। हाँ हाँ लेकिन इसकी शादी हुई है ना, वो क्या करूँ मैं? अरे वो खन्ना से जाके मिलना। राजेश खन्ना से? अरे नहीं रे, वो खन्ना जो वकील है ना, जो घटस्फोट करवाने का काम करता है सबका। अच्छा नेक काम करता है ना। अरे उससे मिलके सलाह मशवरा कर और मानव का घटस्फोट करवा ले,
फिरे ना एक अच्छी सी लड़की देख के मानो की शादी कर दे। तेरे पास नंबर है? हाँ उसका नंबर तो मुझे याद है। याद है? हाँ एक मिनट ले, लिख ले। लिखूं कहाँ से, मैं क्या पेन लेके कपड़ा धोने को आई? एक मिनट रुक। ए पक्या इधर आ। क्या काकी? पेन है तेरे पास? नहीं है पेन। इतना पढ़ा लिखा दिखता है, पेन नहीं रखता है। अच्छा मोबाइल है? हाँ है। ए, बोल बोल बोल। ए, मुझे नहीं आता, तू लिख नहीं, ये नंबर बोलेगी, लिख लिख। अरे लिख। ए, काकी घंटी गई। दे 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 दे। हेलो, मैं सविता देशमुख बोल रही। नमस्ते साहब, मेरा एक काम था, आपसे मिलना था। कब आऊ? अरे दादा ये सब आप, तुझे तो फुर्सत मिलेगी नहीं पढ़ाई करने से, फिर तेरी सेहत का ख्याल कौन रखेगा? दो मिनट का ब्रेक ले, आराम से बैठ के दूध पी ले। दिलीप, तेरी कॉलेज की फीस आधी जमा कर दे। अरे मानव अंदर चल, खाना परोसती हूँ। ओए पारो। दादा आपकी बहनी से कुछ बात हुई? गया था मैं उससे मिलने, लेकिन बात नहीं हो पाई। तुरंत मुझे लगता भी नहीं कि बात करके कोई फायदा होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तुरंत मैंने उसे उस लड़के के साथ देखा जिससे उसका रिश्ता तय हुआ था हमारी शादी से पहले। नहीं दादा, वहीनी, वहीनी ऐसे कैसे कर सकती है? मुझे पता नहीं मंदो क्या हो रहा है, जिंदगी मुझे कहाँ लेके जा रही है। लेकिन कल जब मैंने उन दोनों को एक साथ देखा ना मंदो, तो जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा कि अब मैं हार चुका। कभी ना जीतने के लिए हार के, हमेशा के लिए हार के। उन दोनों का एक साथ ऐसा होना बहुत कुछ कहता है, वो तो बहुत कुछ, सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, सब कुछ। चला सुनती वाचून खोखला गेला, अच्छा हुआ उस चुड़ैल ने अपने लिए और कोई ढूंढ लिया। ए बापा, मेरे बेटे को भी कुछ अक्ल की गोली दे देना, ताकि मैं आसानी से इस दोनों का घटस्फोट कर सकूं। ये तो बहुत सुंदर है, काफी बारीकी से काम किया है ना तुमने, इस पर काफी समय लगा होगा। हाँ यही कोई 3-4 दिन। लेकिन श्रवणी अब अच्छे काम के लिए इतना समय तो निकालना पड़ता है ना। हाँ वो तो है। तो मुझे बनाना सिखाओगे? मैं सिखाऊं? बेटा सचिन तेरा तो कल्याण हो गया। ये लो, लो और मुझे बताओ कि ये कैसे बनाया जाता है। देखो श्रवणी, तुम टीचर हो यहाँ पर और मैं तुम्हें इनके सामने सिखाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, और वैसे भी मेरे पास सामान भी तो नहीं है सिखाने के लिए। ये सब है ना, ये लो, ये है, ये भी है, सारा सामान है यहाँ पर, लो। सामान भी है, सुई नहीं है, सुई ही। एक मिनट। सुई भी है। अब सिखाओ। हाँ, वेरी सिंपल। ये सुई और ये कपड़ा, I mean, ये कपड़ा और ये सुई। देखो इसको पहले कपड़े को फोल्ड करते हैं। ये तो बहुत मुश्किल है ना भाई। मैं बोल रहा था ना, ये बहुत मुश्किल काम है, एक दिन में नहीं आ सकता है। ऐसा करते हैं ना, हम कॉफी के लिए चलते हैं संडे को, वहां पर मैं ये बाकी का काम भी सिखा दूंगा, ठीक है ना? वैसे भी संडे को तो तुम्हारी छुट्टी होती है ना? हाँ। तो
संडे की कॉफी फिक्स ना? ठीक है ठीक है, तो संडे मिलते हैं। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू? ना ना, सचिन तो बुद्धू थोड़ी है, तो बहुत स्मार्ट है। लेकिन आईने ना आज तक मरवाने का बहुत बड़ा प्लान बना दिया था। वहिनी, तुम यहां पर? मैं यहां पढ़ने आती हूँ। कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ। और घर में सब कैसे हैं? घर में भी सब अच्छे हैं। वहिनी, हम लोग आपको बहुत मिस करते हैं। वंदु, काका, मैं और दादा भी। अगर वो वाकई में मुझे मिस करते तो मेरा मंगलसूत्र वापस नहीं मांगते मुझसे।